धधकती दहकती आग और ऊपर उठता धुएं का गुबार। ये तस्वीर खुशकीवार फल मंडी की है, जहां कभी फलों का भंडार होता था, आज वहां गम, दुख और बेबसी है। आग के शोले में सब कुछ जमींदोज हो गया। बताया जा रहा कि देर रात 12 बजे बारात जाने के दौरान पटाखे से निकली आग की छोटी चिंगारी ने कोहराम मचा दिया। इसके बाद आग ने ऐसा तांडव मचाया, दुकानदारों के अरमान और मेहनत पल भर में जलकर राख हो गया। जिसने भी भीषण अग्निकांड के बारे में सुना, तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने लगे। निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव भी रात में ही उक्त स्थल पर पहुंचे और दुकानदारों के दुख दर्द में शामिल हुए। मानवता का परिचय देते हुए दुकान में रखे सेब, अंगूर, अनार, अनानास से भरे कार्टून को उठाने में सहयोग करने लगे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आग की लपट देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। एक के बाद एक लगभग 70 दुकानों को अपने आगोश में ले लिया। दुकान में रखे फल, ड्राई फ्रूट्स, बही खाता सब कुछ जलकर राख हो गया। प्लाई फैक्ट्री को भी यह अपने निशाने पर लिया। दुकान में रखा सब सामान जलकर स्वाहा हो गया। 1 किलोमीटर दूर तक आग की ऊपर उठती लपट देख लोग हैरान रह गए। सूचना मिलते ही डीएम कुंदन कुमार, एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा, एसडीएम आपदा प्रबंधन के पदाधिकारी देर रात पहुंचे और राहत बचाव कार्य तेज कर दिया। बताया जा रहा है कि बनमनखी, अररिया, कटिहार, बायसी, धमदाहा और पूर्णिया की फायर ब्रिगेड की 20 टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया। इसमें 12 बड़े और 7 छोटे फायर टेंडर शामिल थे। इसके अलावा एयरफोर्स स्टेशन से भी आग बुझाने के लिए क्रैश टेंडर टीम पहुंची। इस घटना में दुकानदारों को लगभग 30 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस फल मंडी में थोक मूल्य में सामान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश से आता है। यहां से लगभग कोसी सीमांचल सहित अन्य ज़िले से भी लोग फल की खरीदारी करने आते हैं। डीएम कुंदन कुमार ने बताया कि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि बारात पार्टी के पटाखे से आग लगी है। फिलहाल यह जांच का विषय है। दुकानदार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फल मंडी में और एक ये प्लाई मिल में भीषण आग लगी है सर, किस तरह की व्यवस्था की जा रही है प्रशासन द्वारा? जैसे ही हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि खुशकी बाग में आग लगी है, मुझे जैसे ही फ़ोन आया, हम लोगों ने तत्काल जो है सभी फायर डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं सबको एक्टिवेट कर दिया। इसके साथ ही बड़ी फायर टेंडर दो ये तुरंत तत्काल यहाँ पर पहुँच गई और उसके बाद बायसी से, बनमनखी से और धमदाह से भी जो बड़ी फायर टेंडर थी वो आ गए, छोटे वाले भी आ गए। इसके अलावा हम लोगों ने कटिहार से 3 फायर टेंडर और बगल में अररिया से भी 3 फायर टेंडर मंगाए और उसके अलावा एयरफोर्स से जो क्रैश फायर ब्रिगेड होते हैं वो भी आ गए, क्योंकि क्रैश उसमें बहुत ही सारी व्यवस्थाएं रहती हैं आग बुझाने के लिए, तो क्रैश वाला भी आ गया और एक उससे एक्स्ट्रा भी आ गया। तो कुल मिला के 12 बड़े फायर टेंडर्स और उसी तरीके से 6-7 छोटे फायर टेंडर्स ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए और उसके अलावा नगर निगम से भी पानी के टैंकर वगैरह हम लोग यहाँ पे मंगा लिए और लगातार जो है ये कार्रवाई की जा रही है इसको बुझाने की। यहाँ पे एक्चुअली एक प्लाईवुड की भी ये फैक्ट्री है जिसमें कि कुछ लकड़ियों में आग पकड़ा था, जिसको कि ऑलमोस्ट बुझा लिया गया, जो अभी जो थोड़ा बहुत है उसके लिए फिर से एयरफोर्स का क्रैश फायर टेंडर को यहाँ पे बुलाया जा रहा है ताकि तत्काल जो है यहाँ पे बुझाया जा सके। सारे ऑफिसर यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, मैं और एसपी साहब भी हैं और इसके अलावा हमारे आपदा प्रभारी एडीएम, एसडीएम, एसडीपीओ सारे लोग यहीं पे कैंप कर रहे हैं और हम लोग इसको बिल्कुल काबू में कर रहे हैं। आग लगने का कुछ कारण स्पष्ट हुआ सर? अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो यहाँ लोग बता रहे हैं, कॉमन लोग जो यहाँ के हैं, उन लोगों का कहना है कि ये कोई शादी में जो है पटाखा उड़ के आया और उसके कारण आग लगी, ऐसे बता रहे हैं, बट वो लोग अभी जांच का विषय है, वो हम लोग जाँच कराएंगे। थैंक यू। एफ की टीम भी आई हुई है, साथ में है पूरी एसडीआरएफ की टीम है और उसके अलावा मेडिकल कॉलेज को भी अलर्ट कर दिया गया है, उनके सुपरिटेंडेंट सभी वार्ड्स को रेडी पोजिशन में रखे हैं और यहाँ पे 5 जो है एम्बुलेंसेस भी रेडी पोजिशन में है और सभी लोग समन्वित प्रयास कर रहे हैं इसको जल्द से जल्द कैप्चर करने के लिए। थोड़ा सा अभी एक एरिया में, बस छोटा सा एरिया में बचा हुआ है, वो भी एयरफोर्स वाली क्रैश फायर टेंडर आ रही है और मुझे आशा नहीं, ये विश्वास है कि तुरंत ये काबू में। थैंक यू। कैसे लगी है आग?
यार पता नहीं चल रहा कैसे लगा है, लेकिन मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ही हो गया, कम से कम 25 से 30 लाख रुपया का नुकसान है। यहाँ पर कम से कम अभी 50-60 दुकान से ज्यादा जल गया है, जिसमें फल का पत्ती मेरा जला और ड्राई फ्रूट का ज्यादा सबसे ज्यादा नुकसान हो गया। हमारे दुकान में सबसे क्या आइडिया लगा सकते हैं सर, बहुत ज्यादा मोटा नुकसान है, कम से कम 10-20 करोड़ से कम का नुकसान नहीं है। कारण अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमारे ही दुकान में, मेरा आदमी बहुत मुश्किल से जान बचा करके निकला और दुकान का जो खाता पत्तर था कुछ भी नहीं निकाल पाया। ये तकरीबन 11 बजे से स्टार्ट हुआ है और 12 बजते बजते में सब कुछ खत्म हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि कोई शादी समारोह को लेकर ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा सर कि कैसे लगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्षति इस मंडी में हमारा ही हो गया। मेरा नाम अफसर खान हुआ, मेरा फल का गद्दी और जो है ड्राई फ्रूट दोनों ही था, ड्राई फ्रूट से एक सामान का कुछ नहीं निकल पाया। पैकार लोगों का खाता था, वो खाता भी जल के खत्म हो गया।